हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके। ये करंट अफेयर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपडेट होता है और हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा कंपटीशन करंट अफेयर्स सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अन अकेडमी पर मुझे फॉलो करें। अन अकेडमी पर विवेक कुमार के नाम से मैं आपका एक एजुकेटर हूँ, वहाँ पर मुझे फॉलो करें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अन अकेडमी इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचारों की। कंट्रीज लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज फिक्स्ड डिपॉजिट और एफडी रेट्स फॉर सम सेलेक्ट मैच्योरिटी पीरियड्स। अकॉर्डिंग टू द रिसीव्ड रेट, एसबीआई इज ऑफरिंग 6.8% इंटरेस्ट रेट ऑन एफडीज विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ वन टू टू ईयर्स एज कम्पेयर टू 6.7% अर्लियर। देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ने कुछ चुनिंदा परिपक्वता अवधि के लिए सावधि जमा या एफडी दरों में वृद्धि की है। संशोधित दरों के अनुसार एसबीआई 6.7% की तुलना में 1 से 2 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ एफडी पर 6.8% ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति। अरविंद सक्सेना हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC। अरविंद सक्सेना को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, LG इलेक्ट्रॉनिक्स हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज अपॉइंटेड ब्रायन क्वांस एज द न्यू प्रेसिडेंट। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने घोषणा की है कि उन्होंने ब्रायन क्वांस को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, अवार्ड्स पुरस्कार। IT सीजर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट अजीज प्रेमची वाज बेस्ट आउट विद द हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन डिस्टिंक्शन चेवलियर डी लेगियन डी ऑनर्स नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। आईटी सीजर और परोपकारी अजीज प्रेमजी को उच्चतम फ्रेंच नागरिक विशिष्टता चेवलियर डे लार्ड लीजन डी होनोर नाइट ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, डॉनबास डायरेक्टेड बाई सर्गिजिया लॉजनिस्टा हैज वोन द कोटेड गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द 49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI विच कंडक्टेड इन गोवा ऑन नवंबर 28, 2018। सर्गी लोजनित्सा द्वारा निर्देशित फिल्म डॉनबास ने 49वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, स्कीम एंड कमेटी। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए यूनिक इनिशिएटिव कॉल्ड भाषा संगम टू इंट्रोड्यूस स्कूल स्टूडेंट टू 22 इंडियन लैंग्वेज। सरकार ने स्कूल के छात्रों को 22 भारतीय भाषाओं से अवगत करने के लिए भाषा संगम नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। नेक्स्ट, स्टेट्स इन न्यूज, राज्यों में समाचार। हिमाचल प्रदेश हैज बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च ए सिंगल इमरजेंसी नंबर 112। दिस विल कनेक्ट टू पुलिस, फायर, हेल्थ एंड अदर हेल्पलाइन थ्रू एन इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर इन द स्टेट। हिमाचल प्रदेश एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह राज्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र के माध्यम से पुलिस, आग, स्वास्थ्य और अन्य हेल्पलाइन से जुड़ जाएगा। एग्रीमेंट समझौते।
India and China have signed a protocol on hygiene and inspection requirements for the export. भारत और चीन ने निर्यात के लिए स्वच्छता और निरीक्षण आवश्यकताओं पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं. नेक्स्ट डिफेंस न्यूज रक्षा समाचार. नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम कॉनकॉर्ड हेल्ड इन गोवा दिस ईयर. इस वर्ष का भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच नौसेना अभ्यास कॉनकॉर्ड गोवा में आयोजित किया गया है. नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाचार. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस. यूजीसी हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए कंसोर्शियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स केयर विच विल प्रिपेयर ए फ्रेश लिस्ट ऑफ क्रेडिबल क्वालिटी जर्नल्स इन द नॉन साइंस डिसिप्लिन्स. यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग यूजीसी ने अकादमिक और शोध नैतिकता केयर का एक संघ स्थापित करने का निर्णय लिया है जो गैर विज्ञान विषयों में विश्वसनीयता ने गुणवत्ता पत्रिकाओं की एक नई सूची तैयार करेगा. नेक्स्ट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड PSLV C-43. दिस लॉन्च टुक प्लेस फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड ऑफ द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक PSLV C-43 लॉन्च किया है. यह लॉन्च श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से हुआ है. नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज मिसलेनियस विविध समाचार. इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन टू स्प्रेड ए पैन इंडिया अवेयरनेस अबाउट हेपेटाइटिस डिजीज. इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज ने हेपेटाइटिस रोग के बारे में पूरे भारत में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया है. तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की करंट न्यूज, करंट अपडेट्स, करंट जीके, जो कि आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें. जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो हमें कमेंट करें. अन अकेडमी ऐप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हमें फॉलो करें और साथ ही साथ यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.